सवाल यह है कि वह कौन सी एक गलती है जो किसी भी लड़के या लड़की को अपनी जवानी में कभी नहीं करनी चाहिए। तो तुम जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तुम तक अगर ये बात पहुंच रही है तो मैं तुम ही से कह रहा हूं, अगर जीवन में शांति चाहते हो, मुक्त रहना चाहते हो, अगर मजबूर नहीं होना चाहते हो, कमजोर नहीं होना चाहते हो, एक सीमित, दबा कुचला, डरा हुआ जीवन अगर नहीं जीना चाहते हो, तो अपनी औकात याद रखो, अपनी हैसियत और अपनी वास्तविकता, अपनी हकीकत को कभी मत भूलो। अक्सर होता यह है कि हम जब जवान होते हैं तो भावनाओं में बहकर या दबाव में आकर, भावनाओं में कब बहते हैं, कोई हमें घर वाले, परिवार वाले बहका देते हैं, या दबाव में आकर कोई हमें दबाव देता है, प्रेशर, या डर के कारण परिवार या समाज की परवाह करके, या लोगों को देखे देखे, या फिर अपनी ही वासनाओं और खाली जीवन के कारण हम दो तरीके से एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और वह गलती क्या है? किसी इंसान को अपनी जिंदगी में ले आना। पहले ही कहा मैंने, चाहे किसी भी तरीके से लाए हो, दबाव के कारण, डर के कारण, या भावनाओं में बहकर, या वासनाओं में बहकर, चाहे किसी भी तरह से तुम लाए हो, ये एक गलती बहुत बड़ी है जो हम करते हैं कि किसी को हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं। तो अब मैं उन जवानों से, लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, यही कहना चाहूँगा, चाहे जवान हो या बड़े हो, छोटे हो, जो भी हो, तुम अपनी जिंदगी को देखो। अक्सर जो लोग ये गलती करते हैं, तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम्हारी खुद की जिंदगी देखो, तुम खुद अभी दूसरों पर निर्भर हो, तुम्हारी वर्तमान जिंदगी बर्बाद है, तुम अभी अपने से खुश नहीं हो, अकेले चल नहीं पाते, अकेले चलने में डर लगता है, अकेले निर्णय लेने में डर लगता है, हजार तरीके के बंधन हैं तुम पर, बंधन और डर तुमने पाले रखे हैं, तुम्हें दुनिया की अभी कोई समझ नहीं है, तुम्हें तुम्हारा खुद का कुछ नहीं पता कि तुम कौन हो, यहां क्यों पैदा हुए हो, ये मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये मन क्या है, ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, डर क्या है, इनकी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। और सीधे सीधे कहो तो तुम खुद अभी परेशान हो कि आखिर ये जिंदगी है क्या और क्यों है, क्या ऐसा नहीं है? परेशान हो इन सब सवालों के लिए तुम, और नहीं है तुम्हारे पास इन सब के जवाब? अभी तुम अपने पंखों से उड़ना नहीं सीखे, अभी तुम खुद दूसरे की पीठ पर सवार हो। सोचो उस पक्षी की हालत जो आसमान में उड़ रहा है लेकिन उसके खुद के पंख नहीं है, वो दूसरे पक्षी की पीठ पर बैठा है, क्या वो शांत रह पाएगा? क्या वो भय से मुक्त हो पाएगा? नहीं। वैसी हमारी हालत होती है जब हम जवान होते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना, व्यवस्था ही ऐसी है कुछ, और उतनी जल्दी हमें समझ आती नहीं है, तो हमारी हालत उस पक्षी के समान ही होती है। और ऐसी स्थिति में अगर तुम किसी दूसरे इंसान को अपने जीवन में ले आए तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा, वो भी ना समझ, वो भी बिन पंखों का पक्षी, और तुम भी ना समझ, तुम भी बिन पंखों के पक्षी, और दो ना समझ लोग मिल गए तो तुम्हें क्या लगता है जिंदगी आबाद होगी? नहीं, बल्कि और बर्बाद हो जाएगी। लगेगा ऐसा ही कि आबाद हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी आबाद। यही तो हर इंसान के दुख का कारण है कि अभी उसे खुद जीना नहीं आता, इंसान को
अभी खुद जीना नहीं आता और वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधित हो जाता है और उस दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन पर हावी होने का अधिकार दे देता है। तो जिसने भी अभी ये गलती ना की हो, वह ये जान ले कि जब तक तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुशहाल ना हो जाए, जब तक तुम अकेले अपने पैरों पर चलना ना सीख जाओ, जब तक जीवन के बारे में गहरी समझ ना विकसित कर लो, जब तक दुनिया को अच्छे से ना समझने लग जाओ, तब तक पति पत्नी या बच्चे, पति पत्नी या बच्चे किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में मत लाना, अन्यथा जीवन भर रोते रह जाओगे, ऐसी गलती हो जाएगी। क्योंकि ना समझी में कोई भी चुनाव करोगे गलत ही होगा ना, वो तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा उसके लिए। अब तुम पत्नी ले आए, फिर बच्चे भी पैदा कर लिए, तो बिल्कुल तुम खूंटे से बंध जाओगे और कहीं भी कभी भी आने जाने की जो तुम्हारी सारी आज़ादी है वो सब छिन जानी है, तुम कहीं नहीं आ जा पाओगे। इतनी बड़ी दुनिया है, भूल जाना फिर उसे जानना, उसे घूमना, नहीं घूम पाओगे। क्योंकि तुम अगर ऐसी गलती करते भी हो तो फिर तुम सामाजिक आदमी भी हो और तुम्हें समाज के अनुसार फिर जीना पड़ेगा, समाज जैसा चाहता है तुम्हें फिर वैसा भी करना पड़ेगा। और यही हाल फिर स्त्री के साथ भी होता है, स्त्री की हालत तो और बुरी हो जाएगी। पति तो फिर भी बाहर निकल जाएगा पर स्त्री तो चार दीवारी के अंदर ही कैद हो जाएगी अगर उसने ऐसी गलती कर ली। तो भूल जाओ अपनी आज़ादी अगर ये गलती करते हो, तो तुम खूंटे से बंद कर रह जाओगे, ना चाहते हुए भी मजबूरी में तुम्हें कमाते रहना होगा, वो भी चार पांच लोगों के लिए। अकेले होते तो कुछ भी कर लेते, कहीं भी आ जाते और चले जाते। अब कमाओ चार पांच लोगों के लिए, खाना पीना, कपड़े लत्ते, घर परिवार, स्कूल वगैरह और न जाने क्या क्या, इन सब में ही पूरा जीवन कब बर्बाद हो जाएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। जिन्होंने ऐसा किया है उनसे ईमानदारी से पूछ लो एक बार, या उनके जीवन को देख लो, वो कुछ नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि गलती कर ली ना उन्होंने। और इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को जीवन में लाना गलत है, किसी को भी जीवन में लाना गलत नहीं है, यदि वो इंसान सही है और तुम भी सही हो, वो भी जगा हुआ है, तुम भी जागे हुए हो। वरना जब जगे हुए नहीं हो, समझ नहीं है, तो बड़ी से बड़ी और सुंदर से सुंदर चीज़ भी हमारे लिए बोझ हो जाती है। तो विवाह करने में, किसी को जीवन में लाना, इन सब में गलत कुछ नहीं है, पर गलत समय पर ना समझी में ले आओगे तो समस्या हो जाएगी, तो वो गलती मत करना। तो लड़कों का हाल तो यही होता है, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, स्कूल कॉलेज, इन सबको करने में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक खूंटे से बंद कर रह जाओगे, मजबूरन कमाना पड़ेगा। और यही हाल देवियों तुम्हारा भी होगा, तुम्हारी तो और बुरी हालत होगी। अब सास ससुर तो होंगे ही, वो भी घटिया रहे होंगे, क्योंकि अगर वो घटिया नहीं रहे होते तो उन्होंने ऐसा घटिया बच्चा पैदा नहीं किया होता, जैसी घटिया हरकत करता और शादी करके तुम्हें ले आता, जो खुद ना समझे। तो सास ससुर तो होंगे ही, वो भी ना समझ, तो सबसे पहले तो तुम उनके बखान सुनोगी, फिर दिन रात खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों की टट्टी साफ करना, उनके कपड़े और टिफिन बनाना, और इसी तरह उस चार दीवारी के भीतर ही पूरा जीवन बीत जाना है। और फिर भी क्या होगा, फिर भी तुम यही सुनोगी कि तुम तो कुछ करती नहीं, तुम करती क्या हो। पति यही कहेगा, तुम करती क्या हो, घर ही तो रहती हो। और रात होगी तो वही पति तुम पर टूट पड़ेगा, फिर उसकी हवस मिटाओ। तो देख लो, ऐसा जीवन जीना चाहते हो या मुक्त रहना चाहते हो। ये मत सोचना कि अभी प्रेम है तो वो सचमुच प्रेम ही है और वो हमेशा वैसा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी प्रेम हो और सदा वैसा रहे, पर ऐसा होता नहीं है, ये संसार का नियम है।
कि किसी भी व्यक्ति के साथ तुम संतुष्ट कभी नहीं हो पाओगे, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो। क्योंकि व्यक्ति से संतुष्ट होने के लिए अगर उसके साथ जुड़े हो तो वो नहीं कर पाएगा, उसकी मजबूरी है बेचारे की। तो ये गलती मत करना अगर सही जीवन, सुंदर जीवन चाहते हो, मुक्त जीवन चाहते हो तो। नहीं तो एक दूसरे को दोष देते रह जाओगे, ज़िंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा ही हर व्यक्ति के साथ होता है। सही जीवन अगर चाहिए तो अपने पंखों से उड़ो और अकेले खुश रहना सीखो, और जिससे भी संबंध बनाओ तो देख लो कि उसमें आज़ादी है या नहीं। जिस संबंध में भी तुम प्रवेश करो उस संबंध में सबसे पहले अपनी आज़ादी देखो कि आज़ादी होगी या नहीं। जो भी संबंध तुम्हारे पंख काटकर बने उसे तुम तुरंत नकार दो, नहीं चाहिए ऐसा संबंध जहां हमारे पंख काट दिए जाएं, जहां हमारी आज़ादी छिन जाए। तो जीवन में ऐसा कोई संबंध मत बनाना जो तुम्हारी आज़ादी छीन ले, जो तुम्हें कैद करके रखे, जो तुम्हें उड़ने से रोके, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी समस्याओं का सामना क्यों ना करना पड़े। डर, लालच, स्वार्थ, इन सब के आधार पर कोई निर्णय मत लेना, वरना गलत चीज़ों के आधार पर निर्णय लिया है तो परिणाम तो गलत ही होगा ना। तो ये जो एक गलती है ये हर जवान लगभग करता ही है, पर ये नहीं करोगे तो जैसी हर व्यक्ति की हालत होती है वैसी संभवतः ना हो, और आगे जिंदगी आपकी है तो निर्णय भी आपका होगा। देख लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है।